नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ हाउस ऑफ फियर में। आइए शुरू करते हैं अपना सफ़र, देखते हैं यहाँ पे क्या है। दोस्तों मैं ये कहाँ हूँ, मुझे इतनी कमजोरी क्यों अनुभव हो रही है, ये क्या है बक्सा, लगता है इसे खोलने के लिए चाबी चाहिए। ये क्या है, चार इंसानों की तस्वीरें और चार, ये क्या है, पत्थर, पीला, नीला, लाल और हरा, लगता है ये चारों पत्थर इन चारों लोगों की शक्ति के स्रोत है, उनमें से एक पत्थर तो यहीं ही है। ये कौन है, ये कोई भूतनी दीदी है, ये मुझसे कह रही है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं जीवन और मौत के बीच की दुनिया में फंसा हुआ हूँ दोस्तों। और इस दुनिया को चार फेसलेस चलाते थे, लेकिन कुछ शैतानों ने यहाँ कब्जा कर लिया। खोलता हूँ इसे। दोस्तों एक शैतान ने मुझे मार डाला और मुझे पता नहीं कहाँ कैद कर लिया है। इन शैतानों ने उन चारों फेसलेस पर कब्जा कर लिया और इस जगह की सारी विधि व्यवस्था बर्बाद हो गई। अगर मुझे अपने घर वापस जाना है, ज़िंदगी पानी है, तो मुझे उन शैतानों को मारना होगा। ये तो कोई पोर्टल लगता है। एक बकरा, एक चिड़िया, एक मछली और एक सांप की फ़ोटो बनी हुई है। लगता है ये पोर्टल खोलने के लिए मुझे इन चारों साइन पर टच करना होगा। ये क्या है, एक बक्सा मिला है दोस्तों, उठा लेता हूँ। भूतनी दीदी कह रही है कि तुम जब भी कमज़ोर हो यहाँ पे आओ और इस हीलिंग एल्टार पर तुम्हें पूरी एनर्जी वापस मिल जाएगी। दोस्तों मेरी एनर्जी अभी फ़िलहाल तो ठीक ही लग रही है मुझे। आइए दरवाज़ा खोलता हूँ, नहीं खुल रहा है, क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा है। आइए इस लॉक को खोलता हूँ, एक चाबी मिली थी मुझे दोस्तों, ये खोल दिया मैंने लॉक, ये हटाई कुंडी, अंदर जाऊँगा। अंदर भी लगता है एक पोर्टल ही है दोस्तों, आइए पोर्टल खोलता हूँ। आइए मैं कहाँ आ गया, भूतनी दीदी यहाँ पे है, ये कौन है यार इतना बड़ा इंसान, लगता है कोई मूर्ति है, है ये तो तलवार उठा रहा है मुझे मारने के लिए दोस्तों, कैसे क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों इसने तलवार उठाया था, मैं इसे डब्बा पहनाऊँगा, अब ये मुझे देख नहीं पाएगा दोस्तों। ये क्या है, एक मास्क मिली है दोस्तों, भूतनी दीदी क्या कह रही है, वो कह रही है कि ये स्केल्टन उसके दोस्त का है। आइए दोस्तों पोर्टल के बाहर जाता हूँ, पता नहीं ये कैसी जगह है, मौत और जीवन के बीच की दुनिया है ये, हीलिंग एल्टा, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। मास्क लगाता हूँ, अरे ये मास्क तो अदृश्य को भी दिखाता है। चलिए मछली, सांप, बकरी और चिड़िया, ये मैंने टच किया और पोर्टल खुल गया और मैं आ गया बाहर, दूसरी ही जगह पे आ गया, एक और पोर्टल, इसे खोलता हूँ। अरे यहीं तो मैं फंसा हुआ था, इसे खोलता हूँ, यहाँ क्या है देखता हूँ जाके। ये स्केल्टन किताब पढ़ रहा है, यही तो वो भूत है जिसने मुझे टपकाया था दोस्तों, और ये उनकी आत्मा है दोस्तों। भूतों को टपकाने के लिए मुझे उनका दिल आग में जलाना होगा, तभी जाके ये जगह फिर से पहले जैसा कुछ हाल हो जाएगा। इस पोर्टल के अंदर जाके देखता हूँ क्या है। आइए दोस्तों पोर्टल के अंदर जाता हूँ, एक और जगह खुल गई है, पता नहीं ये कैसी जगह है, यहाँ क्या है, भूतनी दीदी यहाँ पे दीवार पे निशान बने हुए हैं, लगता है उन्हीं निशानों के अनुसार मुझे लीवर खींचने होंगे दोस्तों। ये लीवर खींचता हूँ, देखता हूँ क्या होता है दोस्तों। ये दरवाज़ा खुल गया, अंदर तो एक शैतान है, मुझे जल्दी से इसे बंद करना होगा वरना वो मुझे मार देगा दोस्तों। आइए दूसरा लीवर खींचता हूँ, क्या हुआ, दरवाज़ा बंद हो गया। ये बीच वाला लीवर खींचता हूँ, अच्छा इसे आगे करता हूँ, क्या हुआ दोस्तों, वो शैतान तो मर गया, क्या बात है।
अब मुझे ये दरवाज़ा खोलना होगा ताकि मैं अंदर जा सकूं। ये देखिए दोस्तों, दरवाज़ा खुल गया। भूतनी दीदी, ये भूतनी दीदी मुझे गाइड कर रही है दोस्तों। ये मेरी दोस्त है, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आइए अंदर चलता हूँ। देखिए ये शैतान मरा पड़ा है। दरवाज़ा खोलता हूँ दोस्तों। पता नहीं ऐसे कितने शैतान हैं जिन्हें मुझे मारना होगा। यहाँ क्या है, कोई भूत वगैरह तो नहीं? कोई नहीं है दोस्तों, भूतनी दीदी है। इससे बाद में बात करूँगा। ये खोलता हूँ, लगता है मुझे पजल सॉल्व करना होगा दोस्तों। आइए दोस्तों पजल सॉल्व करता हूँ। मुझे इन नंबर्स को इनके सीरियल वाइज अरेंज करना होगा। आइए दोस्तों पजल सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए काफ़ी मुश्किल पजल लग रही है मुझे, पता नहीं कैसे सॉल्व होगी। ये पजल सॉल्व करने पर ही वो इलेक्ट्रिक बोर्ड खुलेगी। एक बात समझ नहीं आ रही है दोस्तों, ये जीवन और मौत के बीच की दुनिया में इलेक्ट्रिक बोर्ड, ये कैसे संभव है? क्या वहाँ भी पावर जनरेटर है? क्या वहाँ भी बिजली के ग्रिड है? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर जो भी हो, मुझे क्या करना, मुझे तो उन शैतानों का वध करना है और चारों फेसलेस को आज़ाद करना है ताकि इस जगह की विधि व्यवस्था पहले जैसी अच्छी हो जाए, यहाँ खुशहाली आ जाए। चूँकि मैं पूरी तरह से मरा नहीं हूँ तो मैं अपने घर भी जा पाऊँगा। अगर मैंने उन शैतानों का वध कर दिया और चारों फेसलेस को आज़ाद करके उन्हें उनकी शक्ति लौटा दी, ये पजल सॉल्व होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? मुझे कैसे करके ये पजल सॉल्व करनी होगी। फिर से कोशिश करता हूँ, लगता है इस बार ये पजल सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। जल्दी हो जा पजल सॉल्व यार। लगता है दोस्तों पजल सॉल्व हो गई और लॉक भी खुल गया। ये लीवर ऊपर करता हूँ, अब ये दरवाज़ा मैं खोल पाऊँगा। ये खोल दिया मैंने दरवाज़ा दोस्तों, दरवाज़ा खुल गया है। अंदर जाऊँगा, मास्क पहनता हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। लीवर ऑन करता हूँ, देखता हूँ क्या होती है। एक पिंजड़ा नीचे आ रहा है दोस्तों। है इस पिंजड़े में तो एक फेसलेस है, मुझे ये आज़ाद कराना होगा। ये भूतनी दीदी भी वही बात कह रही है। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो इसे आज़ाद कराना ही होगा किसी भी कीमत पे। आइए दोस्तों बाहर चलता हूँ। मैंने वो लबादा पहन लिया जिसे पहन के मैं गायब हो जाऊँगा। ये खोला मैंने ये दरवाज़ा, अंदर एक शैतान है पर वो मुझे देख नहीं पाएगा क्योंकि मैं इस लबादे के अंदर हूँ दोस्तों। आइए दोस्तों आगे जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ क्या है। यहाँ पे एक और पोर्टल, अंदर जाऊँगा। अरे रास्ते में आग और एक इंसान जला पड़ा है। दीवार पे क्या है, कुछ नक्शा बना हुआ है दोस्तों। इसे ही फॉलो करते हुए लगता है मुझे इस आग का दरिया पार करना है, अन्यथा मैं भी जल जाऊँगा। आइए दोस्तों आग का दरिया पार करता हूँ। ये क्या है, एक लीवर है, खोलता हूँ इसे। एक और दरवाज़ा खुला है दोस्तों। ये क्या, सामने शैतान का दिल। दोस्तों अब कम से कम मैं एक शैतान को तो मार ही सकता हूँ। आइए दोस्तों इस आग में इस दिल को जलाऊँगा। मेरे साथ आइए, आग का दरिया फिर से पार करूँगा दोस्तों। मुझे काफ़ी डर लग रहा है, अगर थोड़ी भी चूक हुई तो मैं जल कर राख हो जाऊँगा। आइए दोस्तों अब मैं ये दिल जलाऊँगा, शैतान का दिल। ये जलाया मैंने शैतान का दिल। अब मैं पोर्टल के बाहर जाऊंगा, देखता हूं क्या हुआ है। अरे ये देखिए, ये शैतान तो यहां लुढ़का पड़ा है। एक शैतान मर चुका दोस्तों, उसने एक चाबी दी है। ये क्या है, एक और लीवर, खोलता हूं इसे। इससे क्या खुला है दोस्तों, यहीं से तो मैं अंदर आया था। अच्छा ये दरवाज़ा खुला है दोस्तों, इस लीवर को खींचता हूँ, अब सामने का दरवाज़ा खुल गया। चलिए दोस्तों अंदर जाऊँगा जहाँ वो फेसलेस कैद है। आइए दोस्तों मुझे जो चाबी मिली थी मैं उससे ये ताला खोलूँगा। ये खुल गया ताला, फेसलेस आज़ाद हो गया दोस्तों। मुझे इसे थोड़ी सी शक्ति देनी होगी और ये देखिए दोस्तों, मैंने उसे शक्ति दे दी और वो हवा में गायब हो गया। इस तरह मैंने
पहले फेसलेस को आज़ाद कर दिया, अब ऐसे तीन और फेसलेस को मुझे आज़ाद करना होगा ताकि इस जगह पर पहले जैसी शांति और खुशहाली आ जाए और मैं अपने घर भी जा सकूं। दोस्तों बाहर जाके देखता हूं क्या हो रहा है। मुझे कुछ कमज़ोरी सी अनुभव हो रही है क्योंकि मैंने एनर्जी उसे दे दी थी, इसलिए मैं हीलिंग एल्टर पर जाऊंगा और पजल सॉल्व करके अपनी एनर्जी को फिर से बढ़ा लूँगा। आइए दोस्तों पजल सॉल्व करता हूँ। ये तो बहुत ही आसान पजल है, हो गया पजल सॉल्व और मुझे मिली शक्ति और मेरी शक्ति हो गई फुल। आइए दोस्तों बाहर जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। अभी मुझे तीन और फेस लेस को आज़ाद करना है। ये दरवाज़ा खुला है दोस्तों, नीचे जाऊँगा देखता हूँ नीचे क्या है। अरे तीरों से भरा हुआ छत, अगर कुछ गलती हुई तो मैं मर जाऊँगा दोस्तों। आग, आग के सामने ड्रैगन, लगता है मुझे चिन्हों को पहचान के उनके सामने जानवरों की फ़ोटो लानी है। नीचे मुझे पानी दिखाई दिया था दोस्तों, इसलिए मैं इसे मछली पर सेट करूंगा। यहाँ पे सांप की बॉबी, मैं इसे सांप पे सेट करूंगा। आगे देखता हूँ क्या है, चिड़िया का घोंसला लगता है दोस्तों। आइए चिड़िया को सेट करता हूँ। अब क्या होगा दोस्तों, पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे डर लग रहा है। ऊपर से भाले हैं, मैं ये लीवर खींचता हूँ, ये क्या हुआ। एक और खुफिया रास्ता खुल रहा है दोस्तों, एक सीढ़ी मिली है। ये लड़की क्या कह रही है, कह रही है कि मैं शोर मचा रहा हूँ। अरे पागल, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मुक्ति भी दिलाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा भी अपने घर वापस। आइए दोस्तों बाहर जाके देखता हूँ क्या हुआ है, कौन सी दुनिया में आ गया हूँ मैं फिर से। अरे यहीं से तो मेरा सफ़र शुरू हुआ था। ये कौन है, ये तो वही फेसलेस है दोस्तों, यानी सारे फेसलेस यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। दोस्तों आज का सफ़र यहीं तक, मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।